दोस्तों नमस्कार। आज मैंने सोचा कि मैं आउटडोर आकर अपना ये वीडियो शूट करता हूँ। तो वंस अगेन आपका मेरे चैनल लॉ वन शुड नो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक ऐसे विषय जो कि लीगल है भी और उसका घर पर भी समाधान हो सकता है, उस विषय में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में लोगों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, मियाँ बीवी की, हस्बैंड वाइफ काफ़ी लड़ते हैं, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा बड़े बुज़ुर्ग परेशान हो जाते हैं घर के कि लड़ाई ठीक ही नहीं होती है। तो कुछ बेसिक बातें हैं, अगर आप उसका ध्यान रखें तो शायद आपके केस घर पर ही सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले आप अपने बेटे और बहू को सामने बैठाकर, जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनका ये ड्यूटी बनती है कि वो उनको बैठाकर उनसे पूछें कि वो क्यों लड़ाई कर रहे हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, किस बात पर लड़ाई है, और कोशिश करें कि वो इश्यूज़ आप सॉल्व कर सकें पहली बार में। अगर वो इमीडिएट इश्यूज़ ऐसे सॉल्व नहीं होने वाले हैं तो उसके बारे में आप ये सोचें और उसका कोशिश करें कि उनको कुछ टाइम के अंदर सॉल्व कर दें, उनको एश्योरेंस दें कि ये ठीक हो जाएगा, बस वो लड़े ना। इसके बाद अगर वो फिर भी नहीं इश्यूज़ ये सॉल्व होते हैं तो आप लॉयर को एंगेज कर सकते हैं। लॉयर उसमें कुछ लीगल जानकारियां भी उन दोनों को बता सकता है, समझा सकता है, जिसके आधार पर वो अपना लड़ाई झगड़े का जो उनका तरीका है उसको बदल सकते हैं या उसको वो ख़त्म कर सकते हैं। अब लॉयर इसमें क्या कर सकता है, लॉयर ये कर सकता है कि वो उनको ये कह सकता है कि आप माँ बाप के घर में रह रहे हो, अगर आपके बुज़ुर्ग माँ बाप 2007 एक्ट, जो सीनियर सिटीज़न एक्ट है, उसमें SDM के पास पहुँच गए तो आपको वो घर से भी निकाल सकते हैं, इसलिए लड़ाई ना करें और इश्यूज़ को सॉल्व करें। दूसरा वो ये भी कह सकते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट भी आपके अगर कोई प्रॉब्लम है इश्यूज़ को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट के बाहर ही हम आपके इश्यूज़ दोनों के उनको ठीक कर देंगे। इसके अलावा आप दोनों के घरों के जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। वो हस्बैंड वाइफ को, बेटे बहू को लेकर बैठें और आपस में बैठ के जो समझदार दो लोग हों उनके घर के, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो समझदार लोग, उनको आप साथ में ले लें, जिससे कि आपका जो मैटर है वो वहीं पर ही सॉल्व होने की शुरुआत हो सके। इसके अलावा जब थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है मामला, कई बार लेडीज़ या जेंट्स समझते नहीं और वो CAW सेल की तरफ बढ़ जाते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, तो वहाँ भी आपको पूरा मौका होता है कि आप उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। वहाँ की जो पुलिस होती है वो आपको हेल्प करने के लिए, वो कोर्ट नहीं है, वो आपको हेल्प करने के लिए, जिससे कि आपका मैटर, आपकी प्रॉब्लम, डिस्प्यूट सॉल्व हो सके। तो CAW सेल की भी एक अपनी अलग ज़रूरत पड़ती है और वो एक अच्छी चीज़ है अगर आप उसको अपने फ़ायदे में यूज़ कर सके। वहाँ आप इश्यूज़ को अच्छे से आपस में डिस्कस कीजिए और फिर एक निर्णय पे आ सकते हैं। बच्चों का भी ध्यान रख के आप अपने निर्णय बदल सकते हैं। बच्चे जो होते हैं वो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि अब हमारी लाइफ तो कुछ नहीं है, बच्चे ही मेन हैं, तो हम क्यों लड़ रहे हैं, बच्चों को तो माँ बाप दोनों चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात से भी दोनों परिवार समझते हैं। इसके अलावा मीडिएशन जो कोर्ट के थ्रू या कोर्ट के बाहर, उसका आप सहारा ले सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको बड़े ही तरीके से, बड़े ही समझदारी से उन दोनों के साथ रखनी है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये हमारा, हमें शायद बरगला रहे हैं या कोई गलत, बिल्कुल सच्चाई से जो बात है वो उनको समझाइए। और अगर वो अलग रहना चाहते हैं और आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी हैं तो उन्हें अलग करने में भी हिचकिए मत, अलग कर दीजिए उनसे अच्छे से आप, लेकिन बर्ताव में उनको ठीक से रहिए। इसके बाद आ जाता है कि क्या इसमें कोई
बचने का और भी तरीका है। मान लो केस करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो केस करने से पहले आप ये सोचिए कि आपका कितने साल वो केस चलेगा, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, डाइवोर्स का हो। एक पार्टी हाँ कहेगी, दूसरा ना कहेगी, इसी में ही काफ़ी वर्ष निकल जाते हैं। जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि कोर्ट में काफ़ी समय वेस्ट होता है सिर्फ समझाने और आपस में मनाने में, जो कि आप घर पे भी थोड़ा सा समय लेके समझदारी से आप उसको ठीक कर सकते हैं। और जब भी आप कोर्ट में जाएं उससे पहले नोटिस ज़रूर डालिए, चाहे वो डाइवोर्स करने के लिए हो या डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो। आप एक नोटिस डाल के उनको 15-20 दिन का समय देते हुए ये कहिए कि अगर वो मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं तो बिना कोर्ट जाए भी हम कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कोशिश करनी होगी दोनों परिवारों को, जिससे उन्हें एक मौका मिल जाए और वो समझ सकें कि स्थिति क्या है। इसमें बिल्कुल भी अहम लाने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई झगड़े में कभी भी अपने अहम को और अपनी शान दिखाने के चक्कर में आप ना रहें। और जब वो तैयार हो जाएं तो नोटिस के बाद आप उनसे अच्छे से मीटिंग वगैरह कीजिए, सब कुछ करके मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप केस आप कोर्ट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप बहुत बड़ी परेशानी, फिजूल के खर्चे, वकील के और कई चीज़ों से आप बच सकते हैं। बच्चों की लाइफ ख़राब होने से बच सकती है और भी कई तरह की, जो आपको जो व्यर्थ में आपका वेस्ट होने वाला है टाइम, वो आपका बच सकता है। अपने पार्टनर, अपने बच्चों के साथ रहिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और ये सोचिए यही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने अच्छे से अपने इस मामले को ठीक कीजिए। तो यही मेरा एडवाइस है आप लोगों के लिए कि कोर्ट में अपने पति पत्नी के घरेलू झगड़े को लेकर ना आएं। ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ना आपके परिवार के बच्चों के लिए, ना माता पिता के लिए, ना आप दोनों के लिए। कोर्ट में कभी भी घर का केस नहीं सुलझता है। कोर्ट इसलिए नहीं है, जितने अच्छी तरह से आप अपने घर में ये सब सुलझा सकते हैं, एक वकील को भी हायर कर सकते हैं अगर कोई बात ऐसी है बीच में, तो उनको ला के आप ये मैटर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही मेरा आज एक एडवाइस था कि अपने आप को देखिए और संभालिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।